नमस्कार, इंडिया टाइम्स में स्वागत है ब्रेकिंग न्यूज़ वालिया। ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में हनुमानगंज ब्लॉक के प्रमुख संजय तिवारी के कार्यक्रम में उमड़ा जन सैलाब। यूपी मंडल प्रभारी एजाज अहमद की खास रिपोर्ट। यूपी जिला बलिया में विकास खंड हनुमानगंज में आज ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह। हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधित करते बलिया के लोकप्रिय सांसद बीरेंद्र मस्त जी, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री माननीय उपेंद्र तिवारी, राज्यसभा सांसद माननीय नीरज शेखरपुर, विधायक भगवान पाठक, भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष विनोद शंकर दुबे, प्रधान संरक्षक संघ के पंडित श्रीनिवास मिश्रा, श्रीमती केतकी सिंह, विधानसभा पार्टी के भावी प्रत्याशी, सभी लोग अपना अपना एहसास दिखाया। आज शपथ ग्रहण समारोह हनुमानगंज ब्लॉक में था, नवनिर्वाचित प्रमुख जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोकप्रिय सांसद मस्त जी, लोकप्रिय सांसद नीरज शेखर जी, उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री चंद्र तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विनोद शंकर दुबे जी की उपस्थित गरिमा में उपस्थिति में यह शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ था। इतने दिन से आप इसकी लड़ाई लड़ते रहे और को शपथ दिलाया गया, कितना अच्छा लग रहा है? यह अत्याचार और अन्याय के खिलाफ संघर्ष था, यह खुशी की बात नहीं है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि हमेशा और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी सरकार की योजना होगी उसको सुचारू रूप से खंड विकास में हम लोग अपना काम करते रहेंगे। ये सरकार की मंशा तो होती है लेकिन ब्लॉक स्तर पर वो काम नहीं हो पाता। अक्सर देखा गया है संजीते का है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे और भी योजना हो, चाहे बहुत सारी योजना है। यही कारण रहा कि यहाँ पे हनुमानगंज ब्लॉक में परिवर्तन हुआ है। जांच का विषय है, जो भी गमन किए हों चाहे पहले भी कार्यकाल में हुआ होगा जांच कराएंगे। यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था के तहत जो भी कार्रवाई होगी उसमें हम सहयोग करेंगे। ठीक है, हमारा सम्मान रखना नेता अगर इस तरीके की बात करते हैं तो क्या कहना चाहिए? और हाथ मुझे अक्सर सर पाकिस्तान आए जिस तरीके से सिख लड़की को जबरन का धर्म परिवर्तन करा के शादी कराई गई, पाकिस्तान सरकार को दबाव भी बनाया जा रहा है और लेके एक और हिंदू लड़की को अगवा किया गया है। क्या आपको लगता है कि कार्यक्रम में निकल के फोन करना बता दो कार्यक्रम बात करता है को लेकर जिस तरीके से इमरान खान लगातार धमकी दे रहे हैं परमाणु हमले की, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान परमाणु हमला कर सकता है? गाड़ी कहाँ पर है?